झरिया विधायक श्रीमती पूर्णिमा नीरज सिंह ने मानवता, करुणा और संवेदना की मिसाल पेश करते हुए बीसीसीएल के कुजामा आउटसोर्सिंग पेच में आग से झुलसे नंदन यादव तथा उसके परिवार को न्याय दिलवाया। लोधना एरिया 10 अंतर्गत कुजामा परियोजना में कार्यरत एंटी देवप्रभा आउटसोर्सिंग कंपनी के ठेकेकर्मी नंदन यादव दिनांक 17/8/2024 को गर्म ओबी में पानी का छिड़काव कर रहे थे। इस दौरान अचानक से उनके पैरों तले गोफ बन गया और वो गोफ में समा गए। घटनास्थल पर मौजूद अन्य कर्मियों ने उन्हें गोफ से बाहर निकाला तथा असरफी अस्पताल पहुंचाया। घटना की सूचना मिलते ही झरिया विधायक श्रीमती पूर्णिमा नीरज सिंह अस्पताल पहुंची, जहां उन्होंने पीड़ित परिवार को ढाढ़स बंधाया तथा डॉक्टरों से बात कर समुचित इलाज की व्यवस्था करवाई। दुर्भाग्यवश अत्यधिक जल जाने की वजह से डॉक्टर पीड़ित को बचा नहीं पाए और देर रात नंदन यादव की इलाज के क्रम में मृत्यु हो गई। दिवंगत के परिवार को माननीय विधायक ने विविधा की इस घड़ी में संभाला। तत्पश्चात विधायक जी के पहल पर मृतक का SNMMCH में पोस्टमार्टम करवाया गया। साथ ही बीसीसीएल प्रबंधन और आउटसोर्सिंग कंपनी के संवेदक से वार्ता कर मृतक के परिवार के 2 आश्रितों को नियोजन तथा 20 लाख रुपए बतौर मुआवजा विधायक जी ने स्वयं अपने हाथों से पीड़ित परिवार को अस्पताल में सुपुर्द किया। इसके साथ अंतिम संस्कार हेतु सहयोग व मृतक के पैतृक गांव बेगूसराय जाने हेतु एम्बुलेंस और वाहन की व्यवस्था करवाई गई। अस्पताल में मृतक की पत्नी, पुत्र प्रिंस कुमार पिंकेश यादव, विधायक प्रतिनिधि सूरज सिंह, मृणाल कांत सिंह, रत्नेश यादव, भूला प्रसाद, विकास सिंह उर्फ सेरा, घनवाड़ी ओपी के ASI अखिलेश सिंह, धनबाद थाना ASI राकेश राठौर, मिथिलेश कुमार, रोशन राठौर, बीसीसीएल प्रबंधक DK सिन्हा, आउटसोर्सिंग प्रबंधन के प्रतिनिधि सौरभ कुमार सिंह सहित मृतक के परिजन उपस्थित थे। कुछ राशि को लेकर क्या कुछ पहल किया आपने, किस प्रकार की बात करनी है? देखिए, सभी नंदन यादव जी थे जामा पैच में, वहाँ एडी देवप्रभा में काम करते थे और कार्य करने के दौरान ही जो है वहाँ एक्सीडेंट होता है और वो जो फायर पैच है उसमें चले जाते हैं, जल जाते हैं पूरी तरीके से, जिसके बाद उनको जो है लाजरत PMCH भेजा जाता है, वहाँ नहीं हो पाता है क्योंकि आपको पता है डॉक्टर्स की स्ट्राइक भी चल रही थी, तो उसके बाद ये अशर्फी आते हैं यहाँ पर। उनके इलाज के दौरान उनकी जो है कल रात को लगभग 10 बजे मुक्ति हो जाती है। तो इस उसमें अब हमारा ये दायित्व था कि भाई जो परिवार है, जो शोक संतप्त परिवार है, उसको मुआवजा, जो उचित मुआवजा है जो कंपनी के द्वारा मिलता है वो मिलना चाहिए, कहीं इस बीच में इधर उधर ना हो जाए, उसको लेकर हम कल भी आए थे यहाँ पर और उसी को लेकर आज सुबह से मैं यहाँ बैठी हूँ। और अभी आपके सामने जो है यहाँ पर समझौता हो गया कि 10 लाख रुपए कैश और 10 लाख रुपए का चेक जो है दिया जा रहा है। इन्होंने प्रॉमिस किया है, जैसी इनकी कार्यशैली रही है और पहले रोकते रहे हैं चेक को, तो इन्होंने प्रॉमिस किया है कि इन्होंने बैंक अकाउंट डिटेल लिया है, कल 10 लाख रुपये अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। अगर वो नहीं करते हैं तो उसके सिक्योरिटी के तहत इन्होंने जो है चेक भी दिया है कि हम करेंगे इस बात को, तो इन्होंने अपनी तरफ से पूरा किया है। दूसरा, यहाँ से जो है वाहन का और एम्बुलेंस ये सब करवाया गया है ताकि उनके गाँव में जो है जाया जा सके। साथ ही 2 आश्रित जो है उनके परिवार के 2 आश्रित हैं क्योंकि ये काम करते थे, वहीं पर रहते थे, तो उनको जो है नियोजन का भी अग्रीमेंट हुआ है यहाँ पर। आज कैश मिल जाएगा, ये लोग गाँव चले जाएंगे, जब लौटेंगे वहाँ से संस्कार की व्यवस्था भी इंक्लूड है इसमें, सब कुछ इंक्लूड जी। अभी जैसे कि कुछ अफवाहें भी उड़ रही है कि चेक भी मिल गया, कुछ लोग क्रेडिट लेने की होड़ में सोशल साइट पे भी चर्चा कर रहे हैं, जबकि आप यहाँ पर मौजूद हैं। देखिए, मैं कुछ बोली, इससे अच्छा है कि आप परिवार से पूछ लें जी। मैं इसलिए बैठी हूँ यहाँ पर क्योंकि इनको सही सही मिले। मुझे पता है कि थोड़ी कार्यशैली हमेशा प्रश्न चिन्ह में रही है देवप्रभा की, वो चाहे लोगों को, उनके लोगों को पेमेंट को लेकर हो या नियोजन और मुआवजे को लेकर हो, इसलिए मैं जानबूझकर यहाँ बैठी हूँ कि कहीं इन लोगों के साथ कोई नाइंसाफी नहीं हो, बीच में कोई जो है बिचौलिए आके किसी भी प्रकार की कोई दलाली ना कर पाए। फोटो खिंचाने के लिए लोग फोटो खिंचा सकते हैं, लेकिन उसमें कहीं भी मुझे लगता कोई सत्य है, बाकी आप इनके परिवार से जी जी। तो 2 आश्रितों के नियोजन पर बात बनी है, 2 आश्रितों के नियोजन पर बात बनी है और 20 लाख रुपए मुआवजा पर बात बनी है, बाकी हॉस्पिटल का खर्चा, यहाँ से इनको गांव ले जाने का खर्चा, ये सब खर्चा जो है कंपनी खुद वहन करती है। तो कब तक नियोजन का कुछ ऐसा समय सीमा है? इनके जब श्राद्ध कर्म पूर्ण हो जाएगा उसके बाद ये लोग जब लौटेंगे तो हम लोग उसको कर पाएंगे। पहल पर 20 लाख रुपए मुआवजा और 2 लोगों को नियोजन की बात बनी है, क्या कहेंगे? हाँ, ये आए थे उनके कारण हमें मुआवजा प्राप्त हुआ है और 2 नियोजन कार्य इन्होंने कर
आया है, जैसे ही हम लोग गांव से सलाद पूर्ण करके लौटे हैं तो नियंत्रण के लिए गाँव में दाखिल करने। कितने लोग हैं टोटल आप लोग परिवार में? हम लोग के परिवार में 7 परिवार थे। हम लोग मेरे पिताजी का देहांत हो गया, अब हम उनके परिवार के। आप बड़े बेटे हैं? नहीं, हमसे बड़े एक और हैं, हनुमान जी हैं। कितने भाई हैं आप लोग? 4 भाई एक बहन। एक बहन है तो, और बड़े भाई लोग कुछ करते हैं? बड़े भाई आर्मी में, आर्मी वीर में। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम पिंकेश यादव।